The journey from dressing up as a boy to becoming a cyclist and an activist, it wasn't easy at all. मुझे खुद क्रिएट करना पड़ा हर चीज़ अपने लिए, क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे गर्ल्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। मेरे लिए इतना मुश्किल ये इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे साथ मेरे अब्बा की सपोर्ट थी, वो मुझे हर चीज़ में इनक्रेज करते थे। तो मेरी सोसाइटी के लिए मसला था, जो लोगों के लिए मसला था, वो मेरे फादर के लिए मसला नहीं था। मेरे फादर की इतनी सपोर्ट थी मेरे साथ कि उनको कोई इशू नहीं था कि मैं जिस तरह से भी मैं कपड़े पहनूँ या फिर मैं बाहर जाके साइकिलिंग करूं, कोई भी काम करूं जो एक जो मेरे माशरे में लड़कियों के लिए एक टैबू था। बट ऑफ कोर्स जिस सोसाइटी से अगेन जहाँ से मैं बिलोंग करती थी वहाँ पे तो ये सब देखा जाता था कि बच्चे के मार्क्स कितने हैं। इस चीज़ को देखते हुए कि गर्ल्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पर, मैंने स्कर्दू में पहली एकेडमी खोली है जहाँ पे मैं लड़कियों को साइकिलिंग सिखाती हूँ। ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़के भी आते हैं वहाँ पर, क्रॉस फिटनेस वगैरह में कराती हूँ और थोड़ा सा उनको मैं स्पोर्ट्स और इन चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और ये पहला इनिशिएटिव है, पहली ही एकेडमी है स्कर्दू में। इसके अलावा गर्ल्स के लिए कोई यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी, जब मैंने एक्टिविज्म स्टार्ट की थी, जब मेरा बाहर आना जाना होता था, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में जाना होता था, जब मैं वापस आई, जब मुझे लोग एक्नॉलेज करने लगे, जब अवार्ड्स वगैरह मिलने लगे, चीज़ें जब लोग इनक्रेज करने लगे, तो वही लोग जो ये बातें कर रहे थे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया सबसे पहले कि आप कैसे गई हैं, हम अपनी बच्चियों को भी भेजना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां भी इस फील्ड में आगे आएँ। आई डिसाइडेड टू मूव टू लाहौर और वहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया, आई मीन स्पोर्ट्स बेस पे ही एडमिशन लिया। फिर वहाँ से मेरी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हुई। आसान नहीं था क्योंकि बहुत अरसे से छोड़ी हुई थी। व्हेन आई वाज 16 देन आई स्टॉप्ड साइकिलिंग और यहाँ पे आके इस एज में 4-5 साल बाद दोबारा से साइकिलिंग स्टार्ट करना मेरे लिए इजी नहीं था, तो बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी। जब मेरा ट्रायल हुआ था तो मैं देख के उन्होंने जज कर लिया था कि शी इज़ अ साइकिलिस्ट। हिजाब के साथ करना अलाउ नहीं था, बहुत ज़्यादा मसले थे। मेरे कोच ने एक दफ़ा मुझे बताया भी कि अगर हिजाब करना है तो तुम साइकिलिंग नहीं कर सकती हो। वो भी एक बहुत मुश्किल दौर था कि अब कैसे मैं हिजाब के बगैर करूँ, लेकिन मैनेज किया, हिजाब के साथ ही किया। HSC वुमेन साइकिलिंग चैम्पियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट किया और उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया। मैं वुमेन एम्पावरमेंट को इस तरह से प्रमोट करना चाहती हूँ कि मैं एक प्लेटफॉर्म दूँ लड़कियों को, ताकि वो स्पोर्ट्स में और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को आगे लेके आएँ। अवार्ड्स मुझे और भी बहुत सारे मिले, एक्नॉलेज और लोगों ने भी किया, बट 25 अंडर 25 एक अलग किस्म की एक अचीवमेंट थी, क्योंकि इसमें एक अवार्ड मिल रहा था फॉर ब्रेकिंग टैबूज और उनका एक स्लोगन था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा टच किया, वो था इक्वली लाउड। आप जो करते हो आपका इतना कमाल नहीं होता जितना उन लोगों का होता है जो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। I want to thank Little Arts and 25 Under 25 for giving me this opportunity to speak in front of world.